आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। शहीद अब्दुल हमीद रोड पे पहली आवाज उठी थी और जिसमें हमने खालिद अजी साहब को बुलाना किया था कि अजी साहब हमारे अपने वार्ड में बहुत बेकारी हो गई, या बैतुल गला है या हमारी माँ बहनों को जाने के लिए बहुत तकलीफ है। तो वहां पर खालिद अजी साहब आए और हमारे साथ साना बसाना खड़े रहे और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए। और उन्होंने तकरीर में ये कहा था कि किसकी माँ ने दूध पिलाई, यहाँ पर आप धंधा करके बताओ। वो तारीख से है ना, वो लापता हो गए। खालिद अजी साहब की एक धमकी, उनके लिए शायद छोड़ना पड़ा और धंधा छोड़ना पड़ा उनको। तो आज जब मैं कल यहाँ पर साहब ने मीटिंग बुलाई थी कि नशे के ताल्लुक से आप लोगों ने पहले आवाज उठाई थी, आप लोगों की आप कमेटी क्या मेहनत इस पे करेंगी, तो अजी साहब अमन पसंद सोसाइटी के जितने मेंबरान है अपनी टी शर्ट पहन के नशा मुक्ति की आपकी जो भी कमेटी बनेगी वो टी शर्ट पहन के आपकी जहां पर भी मीटिंग रहेगी इंशाल्लाह वहां पर खड़े रहेंगे, उस वार्ड के अंदर घर घर जाएंगे और लोगों को जमा करेंगे और ये बोलेंगे पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, आज हम तुमसे वोट मांगने नहीं आए, हम गली का प्रचार नहीं करने आए, आज हम हमारे अपने नौजवानों को बचाने के लिए आए, ये बोल के हम लोगों को जमा करेंगे। कोई भी पार्टी का रहने दो, हमारा मकसद है हमारे शहर के नौजवानों को बचाना। देखा जाएगा इलेक्शन आएगा, लेकिन आज हाजी साहब ने जो फैसला किए उसके साथ मेरा महिला मेरे अपने रोड के लोग इंशाल्लाह साना बसाना जहां पर भी शहर में मीटिंग रहेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे हाजी साहब। और हम लोगों को यह नहीं करना कि हाजी साहब ने आज नशे के खिलाफ में आवाज उठाई, मेरे वार्ड में माल बेच रहा मैं जाके दे डालू, हाजी साहब मैंने उसको दे डाला। कानून की मदद से हम लोगों को काम करना है और हाजी साहब को बताना है कि हाजी साहब यह धंधा हो रहा है, हम लोगों को चलना है वहां पर। हम लोगों को यह भी सोचना है, नहीं तो अपन क्या होता है, इन्हें बोल दे भैया दे डालो, वैसा नहीं करने का है। कानून भी हमारे साथ है और इंशाल्लाह हाजी साहब ने पूरी कानून की मदद लेके आज मैदान में उतरे और इंशाल्लाह एक एक नौजवानों को हम लोग बचाएंगे, एक एक घर जाएंगे। हाजी साहब ने बोले और मैं भी उनके साथ जाऊंगा, एक एक घर एक एक माओ से मिलेंगे। और हाजी साहब ने ये बोले जो नशा करता उसका इलाज भी करेंगे, क्या करेंगे उसका इलाज, यहाँ पर लाके उसका नशा कैसे छूटे उसके ऊपर डॉक्टर की पूरी मेहनत की जाएगी और वो जो भी सुन्नी हो सेवंदी हो उसको काफले में भेजेंगे, जमात में भेजेंगे, उसको पूरा मुकम्मल तरीके से हाजी साहब सुधार के उसको घर रवाना करेंगे, वादा किए उन्होंने और इंशाल्लाह साथ में रहेगी। उसको जमात में भेजना है उसका खर्चा मैं बोलूंगा अमन पसंद सोसाइटी उठाएगी, वो काफले में जाएगा उसका खर्चा अमन पसंद सोसाइटी उठाएगी, ये वादा करता मैं आज। हाजी साहब जितने भी नौजवान रहेंगे वो काफला बोलो जमात बोलो वो जा जाएंगे, हम उनको जरूर भेजेंगे। 15 साल 13 साल मेरे वार्ड में तो ऐसा समझ लो अल्लाह रहम करे ऐसे हमारे नौजवान धंधा बंद, उनकी बेचारे माए तरासन भर रही, कोई प्लास्टिक के काम पे जाता, कोई क्या क्या कर रहा, वो बेचारा ऐसा इंग बुट और टेढ़ा घूमता एकदम जोरों से। आप लोग उसका मेरा समझते हैं, मेरे घर में मैंने फोन करे नहीं, मेरे को मालूम भैया तेरे घर की क्या कंडीशन है, हम रात दिन रोते रहते। ऐसे नौजवानों को बचाने के लिए जो हाजी साहब ने फैसला किया, जब से मीटिंग चालू होगी हम इनके साथ जाएंगे हर जगह और ये काम को बचाने का काम करेंगे। मैं इतना ही बोलूंगा और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम।